नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन न्यूज में। मैं आपकी होस्ट प्रांशी राठौर। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में हार का सामना करने के बाद समाजवादी पार्टी में काफी ज्यादा हलचल मची हुई है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव इस वक्त काफी अकेले पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहां एक तरफ प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रमुख और सपा विधायक शिवपाल सिंह यादव उनसे काफी ज्यादा नाराज है, तो वहीं अखिलेश यादव का साथ छोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं कई मुस्लिम नेता। इसी बीच अगर गौर किया जाए, यहाँ पर समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा वेस्ट यादव के बारे में, तो अपर्णा वेस्ट यादव लगातार राजनीति की दुनिया में धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। अपर्णा वेस्ट यादव हर एक कदम जिस तरीके से आगे बढ़ा रही हैं, उन कदमों को देखते हुए लग रहा है कि जल्द ही अपर्णा वेस्ट यादव को योगी सरकार 2.0 कोई शानदार पद देगी, कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपेगी। इसी बीच हम आपको बताने जा रहे हैं कि अपर्णा वेस्ट यादव को एक जो जिम्मेदारी मिली है, उस जिम्मेदारी को वह बखूबी निभाती चली आ रही है। दरअसल सबसे पहले आपको बता दें कि 19 जनवरी के दिन उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के दौरान अपर्णा वेस्ट यादव ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली थी। अपर्णा के इस फैसले से लोग काफी ज्यादा निराश होते हुए भी नजर आए, लेकिन अपर्णा वेस्ट यादव ने साफ कर दिया है कि वह राष्ट्रीय हित के लिए, राष्ट्र के लिए काफी कुछ करना चाहती हैं। इसी वजह से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, लेकिन यादव परिवार की वह बहू थी, है और हमेशा रहेंगी। अगर बात की जाए यहाँ पर योगी सरकार अपर्णा वेस्ट यादव को कौन सा पद दे सकती है, जानकारी के लिए आपको बता दें कि अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक ये खबर भी सामने आई है कि अपर्णा वेस्ट यादव को लोकसभा चुनाव के लिए तैयार किया जा रहा है। साल 2024 में उन्हें कोई शानदार पद दिया जा सकता है, लेकिन इससे पहले अपर्णा वेस्ट यादव छोटे मोटे कार्यक्रम में शामिल हो रही है और इन कार्यक्रम के जरिए वह अपनी जिम्मेदारियों को निभाती चली आ रही है। हाल ही में अपर्णा वेस्ट यादव शामिल हुई एक कार्यक्रम में, मिशन मोदी अगेन पीएम में, जहां पर अपर्णा वेस्ट यादव को सम्मानित किया गया, जहां पर अपर्णा वेस्ट यादव ने योगी सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अपनी बात को रखा। लेकिन यहां पर देखने को मिला कि कैसे अपर्णा वेस्ट यादव को सम्मानित किया गया। उन्होंने मुलाकात की यहां पर मशहूर हस्तियों से, बड़ी हस्तियों से, पार्टी की जो बड़ी हस्तियां हैं उनसे, और ऐसे में अपर्णा वेस्ट यादव को क्या कुछ जिम्मेदारियां मिली, जरा देखिए ये रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा वेस्ट यादव के समर्थक इंतजार कर रहे हैं कि आखिरकार कब योगी सरकार 2.0 उन्हें बेहद बड़ी जिम्मेदारी सौंपेगी, आखिरकार कब उन्हें शानदार पद दिया जाएगा। इन्हीं मांगों के बीच अपर्णा वेस्ट यादव को कुछ जिम्मेदारियां भी मिल चुकी हैं, जिन्हें वह बखूबी निभाती चली आ रही है। आपको बता दें कि लखनऊ के गोमती नगर स्थित बौद्ध शोध संस्थान में आयोजित मिशन मोदी अगेन पीएम कार्यक्रम का हिस्सा बनी अपर्णा वेस्ट यादव, जहां पर उन्होंने अपने मन की बात भी शेयर की। लेकिन इसी कार्यक्रम के दौरान अपर्णा वेस्ट यादव को सम्मानित भी किया गया। आपको बता दें अपर्णा वेस्ट यादव ने कुछ तस्वीरों को शेयर किया है सोशल मीडिया पर। लिखती हैं, मिशन मोदी अगेन पीएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राम गोपाल काका जी एवं प्रांत महामंत्री अवध प्रांत महिला मोर्चा श्रीमती सुजाता द्विवेदी से मुलाकात। उन्होंने इस तरीके से अपनी बात को रखा है, यहाँ पर बताया है कि उन्हें कैसे सम्मानित किया गया है। अपर्णा वेस्ट यादव को यहाँ पर सम्मान दिया गया है और इस सम्मान से वह काफी ज्यादा खुश है। लेकिन दूसरी ही तरफ सोशल मीडिया पर यूजर्स ने अपनी बात भी रखी है, समर्थकों ने अपनी बात रखी है। विजय प्रताप करण लिखते हैं, यू आर वेरी डेडिकेटेड पर्सन, आई हैव सीन यू ड्यूरिंग दी यूपी, गॉड ब्लेस। और इसी के अलावा यहाँ पर समर्थकों ने और भी बात लिखी है। विपुल लिखते हैं, स्टेट मिनिस्टर, यहाँ पर और सभी ने लिखा है जय हो, जय हो। और साथ में अपर्णा वेस्ट यादव के लिए यहाँ पर
कुछ लोगों ने उनकी कामयाबी को लेकर लिखा है, अपर्णा यादव जिंदाबाद। तरीके से अपर्णा विष्ट यादव को लगातार मान सम्मान मिल रहा है। आपको बता दें, अपर्णा विष्ट यादव ने इस कार्यक्रम में कहा था कि महिलाएं जो देखते ही समझ जाती हैं, ये व्यक्ति हमारे लिए कैसा होगा, उसकी नजर कैसी है, इसका भाव कैसा है, इसका आचरण कैसा है, ये महिलाओं को भली भांति अवगत होता है। वह कहती है कि जब पीएम नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने, तभी महिलाओं ने सोच लिया था कि देश के लिए उचित प्रधानमंत्री कौन होगा। अपर्णा विष्ट यादव ने कहा कि विचारों की सापेक्षता के अधिकृत ही भाजपा ज्वाइन की है, आज मैं उस काम को कर रही हूँ। इस तरीके से अपर्णा विष्ट यादव ने बीजेपी को लेकर अपनी बात कही और उन्होंने बीजेपी क्यों ज्वाइन की, ये बात वह कई बार बता चुकी है। यहाँ पर आपने देखा कि किस तरीके से एक समर्थक ने स्टेट मिनिस्टर लिख दिया और अपर्णा विष्ट यादव के लिए कई शानदार पदों की मांग अब भी जारी है। इंतजार है उस वक्त का जब अपर्णा विष्ट यादव को एक शानदार पद दिया जाएगा। आज सभी ने देखा जाना अपर्णा विष्ट यादव के बारे में। सोशल मीडिया पर अपर्णा की इन तस्वीरों को देखने के बाद उनके समर्थकों ने यहाँ पर अपनी बात रखी है और बताया है कि वह कितने खुश हैं, उनकी भाभी को जिस तरीके से जो सम्मान मिल रहा है। आप क्या कहते हैं अपर्णा विष्ट यादव के बारे में, आप बता सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, तब तक के लिए आप देख रहे नेक्स्ट 9 न्यूज।